तो जो स्टोन है वो एच हाइट पे रखा हुआ है और इसको गिराया गया है, ठीक है। कुछ समय के बाद ये जो स्टोन है नीचे गिरेगा, और आपको मालूम है कि जब ये गिरता है तो इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, गिरते वक्त धीरे धीरे क्या होता है स्पीड बढ़ता जाता है, ये आप क्लास 9 से जानते हैं, ठीक है। जब नीचे गिरेगा तो स्पीड बढ़ता जाता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं एक्सेलरेट होना, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसको कहा जाता है। जब स्पीड बढ़ाता है जो एक्सेलरेशन, उसको 9th क्लास में पढ़ाया गया था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और जो स्पीड को घटा दे वो नेगेटिव एक्सेलरेशन बताया गया था, ठीक है, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशन जो है वो हमेशा वैलिड नहीं है, ठीक है, कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाएगा, ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो और स्पीड फिर भी बढ़ रहा हो, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कन्वेंशन, ठीक है। तो मैं आपको जो 9th में आपने क्या पढ़ा है स्कूल में, कौन सा कन्वेंशन फॉलो किया है वो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन जो 11th क्लास या कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में जो मेंशन है मैं उसके हिसाब से आपको कन्वेंशन बता रहा हूँ। और वो मैंने आपको क्या बताया, जो भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव, और जो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा मैं नेगेटिव मानने वाला हूँ। पोजिशंस ओरिजिन के ऊपर वाले पॉजिटिव माने जाएंगे, ओरिजिन के नीचे वाले नेगेटिव माने जाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जहां पर स्टोन रखा हुआ है, जहां से स्टार्ट हुआ है, आपको वहीं पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है एक्स एंड वाई, ठीक है। जहां से स्टार्ट होता है टी इक्वल टू जीरो पे, वहीं पर आपको ये ओरिजिन मान के चलना है, ठीक है। सो आपको मालूम है कि इनिशियली जो स्टोन था वो रेस्ट पे था, तो यू कितना है, जीरो है, ठीक है, ये जीरो दिया गया है। तो हम मैं चाहता था इसको कुछ वैल्यू ले सकता है, लाइक एच इक्वल टू मैं ले लेता हूँ, मैं इसको 10 मीटर्स ले लेता हूँ, 10 मीटर की ऊंचाई से ये स्टोन गिराया गया। सो यू इज इक्वल टू जीरो बिकॉज रेस्ट पर था। तो वी कितना होगा, वी यहां से यहां गिरने में कुछ समय लगेगा, ठीक है, वो भी हम समय निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, तो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है 9th क्लास से आप पढ़ते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो वो सेम स्पीड से नीचे नहीं गिरता, उसका जो स्पीड है बढ़ता जाता है, अर्थ उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट होता है, और वो एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे की तरफ है, ठीक है, और वो क्या है, जी विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की तरफ है, सो दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव, ठीक है। मैंने आपको बताया ना किसी चीज का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ हो तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। अगर आप स्टोन गिरा रहे हैं और स्टोन का स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि बढ़ रहा है या घट रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर आपने पत्थर ऊपर फेंका है, ठीक है, तो भी एक्सेलरेशन, अर्थ का जो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होता है, सो ग्रेविटी चाहे स्टोन ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ ही पुल करेगा, ठीक है, वो हमेशा 9.8 होगा, कभी कभी अप्रोक्सीमेटली इसको -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे ले लूंगा। तो ए कितना है, ए इज इक्वल टू -10, ठीक है, m/s² इंटू टी, टी टाइम के बाद ये आप पहुंच जाएगा। इस फॉर्मूले से हम ये नहीं, फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे, जिस वेलोसिटी से ये आ करके जब ये लास्टली जब जाके टकराएगा तो किस स्पीड से टकराएगा, जाके टकराने के बाद तो रेस्ट पे चला जाएगा, लेकिन टकराने से जस्ट पहले जो स्पीड होगी वो, ठीक है। तो आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी 9th में पढ़ाया गया था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ से आप गिरा रहे हो तो डिस्टेंस कितना है, 10 है, नीचे गिरेगा 10, और डिस्प्लेसमेंट भी 10 होगा, तो ऐसा आपको लगता है, कई बार ऐसा मान लेते हो कि ये जो s होता है वो डिस्टेंस होता है, लेकिन s इज नॉट डिस्टेंस, s डिस्प्लेसमेंट होता है। इस फॉर्मूले से डिस्टेंस नहीं निकाला जाता, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने में हेल्प करता है। हाँ, आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट ही देता है। अगर हम यहाँ पे 10 पुट कर दें, s इक्वल टू 10, तो डिस्प्लेसमेंट इसको ओरिजिन माना है,
तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो कितना होगा -10। S इज इक्वल टू कितना है? -10। मैंने आपको बताया ओरिजिन से नीचे लिए गए जो पोजीशंस होते हैं वो नेगेटिव में लिखे जाते हैं। सो S इक्वल टू -10 मीटर। इसका इनिशियल पोजीशन 0 पर है और फाइनल पोजीशन क्या है? -10 पर है, बिकॉज वो नीचे है वाई एक्सिस में। सो -10, मैं यूनिट अभी नहीं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये कितना है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो -10, चलो मैं यूनिट लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर -10 मीटर इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये टी निकल जाएगा, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाता है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, टी स्क्वायर 2 आ गया। दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि 1.4142, ये 2 छोड़ो इसे, 414 सेकेंड, इतने सेकेंड में वो जमीन पे पहुंच जाएगा। तो ये 9th क्लास का जो प्रॉब्लम था हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व करना नहीं था, मेरा क्वेश्चन था वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखाना। ठीक है, तो मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं के लिए ये देखो, ठीक है, तो क्लास 10th में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे करते हैं, बनाते हैं, वो आपको मालूम है। जैसे y इज इक्वल टू 2x+3, या फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 2x+3y+4=0 है। अगर आपसे कहा गया कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तो आप क्या करते थे, 3y = -2x-4, दिस इंप्लाइज y = -2 - 2x/3 कर देते हैं। इसके बाद x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, इधर x और y लिखेंगे, x मैं मान लेते हैं 0 डाल देता हूँ, यहाँ पे 0 डाल दिया तो कितना आ जाएगा, -4, ये पूरा ऐसे -4/3, अगर 0 डालेंगे तो आएगा -4/3। अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं तो ये -2 और -6/3 क्या देगा, -2। इस तरीके से आप ये वैल्यूज निकालते और फिर एक्स वर्सेस वाई को प्लॉट करना आता है 10th क्लास में आपको, है ना। तो 10th क्लास में आप ये ग्राफ बनाना जानते हो, ये है लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर, बिकॉज एक्स और वाई का पावर क्या है, 1 है। अगर एक्स और वाई का पावर 1 होता है तो वो क्या होता है, लीनियर होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि y के बदले में v आ गया है, ठीक है, और x के बदले में क्या आ गया है, t, v इज इक्वल टू -10t, ये कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू -10x, यही तो है। तो अगर आपको ग्राफ बनाना तो क्या करोगे, दोनों के बीच में ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो t का कुछ वैल्यू मैं इन दोनों के बीच में बना देता हूँ, टी और इधर वी। अगर आप टी की वैल्यू 0 पुट करते हो तो वी आएगा 0, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर देते हो, टी इक्वल टू मैंने 1 डाल दिया तो वी कितना आ गया है, -10 आ जाएगा, टी इक्वल टू हाफ पुट कर दिया तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, ये सब माइनस में ही आ रहा है, माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि जब नीचे कोई चीज गिरेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो ये माइनस वही बता रहा है। अब देखो मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। सो मैं एक्स इक्वल टू 0 पे टी इक्वल, ये टी है और ये है वी, टी वर्सेस वी का ग्राफ, t इक्वल टू 0 पर v कितना है, 0, तो ये एक पॉइंट मिला, t इक्वल टू 1 सेकेंड, देखो ये मैंने 1 सेकेंड बनाया, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो कितना है, -10। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया,
चलो मैं ये ले लेता हूँ वन, ठीक है, और ये हाफ हो जाएगा, ये वन है तो ये हो जाएगा हाफ, तो वन पे कितना है -10, मैं ये -10 ले लेता हूँ, ये हो जाएगा -5, ठीक है। वाई एक्सिस में मैं दिखा रहा हूँ वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में है टाइम, ठीक है, तो वन पे कितना आया था -10 और हाफ पे कितना आया है -5, तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है वो स्ट्रेट बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो ये इसका ग्राफ बन गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ बना दिया गया, समझ में आया? इसमें क्या आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है। वेलोसिटी जो है वो हाफ सेकंड पे -5 था, 1 सेकंड पे -10 हो गया, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, भले साइन के में नेगेटिव हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। और ये ग्राफ कैसा है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है और उसमें आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ऐसे, अगर आप इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, थर्मल डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो ग्राफ जो है वो ये वाला ऐसे आया, नीचे आया ना वो ऐसे आता, बस फर्क यही है। अगर हम लोग नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। या अगर आप बोलो कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ठीक है, ये वन पे जो है वो +10 हो जाएगा और हाफ पे कितना हो जाएगा 5, ये है स्पीड टाइम ग्राफ, और ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो आपको एक बात जो याद रखने वाला है वो ये है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स से केस में क्या होता है वो कांस्टेंट रहता है, कोई चीज़ नीचे गिरता है तो 9.8 मीटर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब क्या है कि ये लाइन स्ट्रेट दिखाई देगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये लाइन कुछ ऐसे हो सकता है। अगर किसी चीज़ का एक्सेलरेशन मतलब बढ़ रहा है तो वो ऐसे होगा ग्राफ इसका, और अगर एक्सेलरेशन घट रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। मतलब अगर स्पीड के बढ़ने का जो रेट है वो रेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर वो रेट भी बढ़ रहा है तो ऐसा होगा और घट रहा है तो ऐसा होगा, ठीक है। मैंने आपको अभी ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में नहीं ले जा रहा हूँ आपको, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये बनाया गया, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमने ये बना लिए, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे एसी केस के लिए बनाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने से बहुत सारा चीज जो है वो आपको क्लियर होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है, मैंने जो वैल्यू लाया है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, तो हम आ रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ है, सेम सिचुएशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो वाई एक्सिस में मैं दिखाऊंगा ये है पोजीशन, ठीक है, जो कि मीटर में नापा जाएगा, ठीक है, पोजीशन, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो जो कि मीटर में है, और इधर टाइम जो ले रहे हैं हम लोग वो सेकेंड में,
तो आपको पता है कि यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा, माइनस 10 मीटर पर, ठीक है। तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये है -10, यहाँ पे ले लेता हूँ -5, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज -10, ठीक है। तो जब ये नीचे गिर रहा है तो स्पीड जो है उसका चेंज हो रहा है, तो आपने जो फॉर्मूला देखा ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें ये तो जीरो हो गया, ठीक है, एक्सेलेरेशन कितना है -10, मैं पहले हाफ लिख लूँ, हाफ इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर s के बदले क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, क्योंकि ये y एक्सिस में दिखा जा रहा है, तो आप s भी लिख सकते हो या फिर y भी लिख सकते हो। सो y इज इक्वल टू हाफ इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये आ गया -5t². तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो देखना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अभी अभी ज़्यादा अगर आप नहीं मालूम इसके बारे में तो मैं आपको ये ग्राफ बना, पॉलिनोमियल तो आप लोगों ने पढ़ रखा है 10th क्लास में, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, या तो ऐसा होता है या फिर इस तरह का होता है, पैराबोला होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको ये बता देता हूँ बना करके, एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं और उसमें वैल्यूज लिखते हैं, कुछ वैल्यू लिखेंगे x, ये t वर्सेस y का, ठीक है। पोजीशन जब ये देखो गिरेगा, यहाँ से गिरेगा तो अलग अलग टाइम, मान लें कि एट एनी टाइम t, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, y, ठीक है, ये y उसका पोजीशन है, सो so y इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो मान लेते हैं कि मैंने t इक्वल टू 0 पुट किया, तो 0 डालने से y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। t इक्वल टू 1 डालते हैं y आएगा -5, t इक्वल टू 2 डालते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि √2 पर तो ये ज़मीन पे पहुंच गया, उसके बाद तो चला ही नहीं है, तो मैं √2 से ज़्यादा डाल भी नहीं सकता। तो अगर मैं √2 वैल्यू पुट करूँ t की वैल्यू, तो ये आ जाएगा -10, ठीक है। और अगर मैं हाफ डाल दूँ, टाइम इक्वल टू यहाँ पर हाफ पुट कर देता हूँ, तो हाफ पुट करूँगा तो -5 इंटू हाफ का स्क्वायर देगा 1/4, तो 5/4 कितना होता है, 1.25, 4 1 जा 4 और ये 1 आ जाएगा, 5 4 2 जा 8 और ये 2, 4 5 जा 20 और 1.25 आ रहा है। सो अगर मैं t इक्वल टू हाफ ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1.25 माइनस के साथ, ठीक है। तो ये अलग अलग हमने पोजीशन निकाल लिया, अब मैं इनको ग्राफ में दिखा देता हूँ। तो t इक्वल टू 0 मैं पुट कर रहा हूँ तो y इक्वल टू क्या आ गया, 0, ये एक पॉइंट मिला। t इक्वल टू 1 पे मैंने यहाँ पर ये 1 ले लिया, t इक्वल्स 1 पर y इज इक्वल टू -5, ये एक पॉइंट आ गया। t इक्वल टू √2 पर ये तो 2 हो गया, और √2 क्या होता है, 1.414 होता है, यानी कि यहाँ पर तो मिडिल में क्या होगा, 1.5 आएगा, तो उसे थोड़ा सा पहले ले लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, -10 आ रही है, ये पॉइंट मिलेगा। t इक्वल टू हाफ पे ले सकते हैं, t इक्वल टू हाफ यहाँ पर होगा, ये है हाफ, हाफ पे वैल्यू कितनी है, -1.25, तो देखो ये है -5 तो -2.5 होगा, और इसका भी हाफ करेंगे तो -1.25 होगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो ये ऐसे हो रहा है, ये जो ग्राफ मिला है वो किस चीज का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक, मैंने बताया था ना, क्वाड्रेटिक क्या होता है, पैराबोला होता है,
जब भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लेते हैं तो वो क्या होता है, उसका ग्राफ पैराबोला होता है। तो ये है आपका ग्राफ की जो स्पीड है वो सेम स्पीड से नहीं गिर रहा है। यहां पर आप देखो y एक्सिस में पोजीशन दिखाया गया और x एक्सिस में टाइम दिखाया गया, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है अगर पोजीशन मैं इधर लिख दूं, पोजीशन, हाँ पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ हम ले रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर ग्राफ बिल्कुल ऐसे आ रहा हो, ठीक है, इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो t इक्वल टू 0 पे 2 मीटर पे रखा हुआ है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वो 2 मीटर पे ही पड़ा हुआ है, यानी कि ये जो ग्राफ है वो रेस्ट का ग्राफ है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है तो ग्राफ, उसके पोजिशन का ग्राफ ऐसे रहेगा, ठीक है, ये है रेस्ट का ग्राफ, ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है, अगर पोजीशन में इधर वाई में दिखा रहा हूं पोजीशन और एक्स में दिखा रहा हूं टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है लेकिन कुछ ऐसे आ रहा हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि समय बीतने के साथ साथ उसका जो पोजीशन है, मान लेते हैं कि ये t इक्वल टू 1 सेकंड पे 1 मीटर पे था, t इक्वल टू 2 सेकंड पे अब ये 2 मीटर पे, यानी कि समय जैसे जैसे बीत रहा है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, सो ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एट रेस्ट। ये रेस्ट का था लेकिन यहाँ पे मोशन हो रहा है, लेकिन ये जो मोशन हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो ये आपको क्या सिंबलाइज करता है, ये बताता है क्या कि देखो पोजीशन जो होता है वो वाई एक्सिस में हम मीटर में नापते हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस में क्या होता है, टाइम को हम सेकंड में नापते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, यहां पर ट्रायंगल बनाया, यहां पर भी एक ट्रायंगल बना सकता हूं, आगे जाए अगर आप तो यहां पर भी ट्रायंगल बना सकता हूं। आपको मालूम है कि ये जो एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, ठीक है, तो उसका जो टैन थीटा होगा वो भी क्या होगा, इन सारे ट्रायंगल्स का आप कोई भी ट्रायंगल बना सकते हो, बड़ा ट्रायंगल बना लो, देखो तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ऑल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो सब क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एंगल बराबर है तो टैन थीटा भी क्या होगा, सबके लिए भी टैन थीटा क्या होगा, बराबर होगा। इस लाइन पे जो टैन थीटा हम बनाएंगे वो हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना होगा यहाँ पे, मतलब दो लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होंगे, एक पैरेलल टू x एक्सिस और एक पैरेलल टू y एक्सिस। सो tan थीटा विल बी सेम फॉर ऑल द ट्रायंगल बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब y एक्सिस में जो चीज नाप रहे हो, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो y एक्सिस में हम क्या नाप रहे हैं, डिस्टेंस नाप रहे हैं जो कि मीटर में नाप रहे हैं, और x एक्सिस में क्या नाप रहे हैं हम लोग, टाइम नाप रहे हैं जो कि हम सेकेंड में नापते हैं, तो मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड किस चीज का यूनिट है, टैन थीटा निकालते हैं तो वाई अपॉन परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज मेजर्ड इन मीटर, अब बेस इज मेजर्ड इन सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट है, ठीक है। यानी कि टैन थीटा इन पोजिशन टाइम ग्राफ विल गिव यू द वेलोसिटी और द स्पीड, समझ में आया, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो टैन थीटा निकालते हैं ग्राफ का वो क्या देता है, वो आपको स्पीड, वो मीटर पर सेकंड में होता है यानी कि वो स्पीड देता है। अब यहाँ वो ग्राफ तो स्ट्रेट था लेकिन यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा है, कर्व्ड है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं पहले कि अगर ग्राफ कर्व्ड है, उल्टा वाला समझने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं एक कर्व्ड ग्राफ सीधा वाला बता देता हूँ पहले। मान लेते हैं कि ये पोजीशन इधर है, वाई एक्सिस में पोजीशन है जो कि मीटर में नाप रहे हैं, और एक्स एक्सिस में हम टाइम है जो कि सेकंड में नाप रहे हैं, टाइम सेकंड में नाप रहे हैं, और ग्राफ ऐसे आया है, ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आया है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसा ग्राफ मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक है। पोजीशन टाइम में ऐसा ग्राफ मतलब पार्टिकल पहले u वेलोसिटी पे था, अब क्या हो गया, वेलोसिटी उसका v हो गया, ठीक है।
ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी इज कांस्टेंट। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा वाई, क्योंकि आप यहां पर थीटा बना ले, यहां पर थीटा बना ले, यहां पर थीटा बना ले, ये जब आप निकालोगे, ठीक है, तो मीटर अपॉन ये जो टाइम सेकेंड है डिवाइड करने से टैन थीटा सब में बराबर आएगा, और टैन थीटा गिव्स यू द वेलोसिटी, सो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, यानी कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो पोजीशन टाइम ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन जब हमें स्टोन जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें स्टोन जो हम ड्रॉप कर रहे हैं वो नीचे गिर रहा है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, उसका जो वेलोसिटी वो बढ़ रहा है, सो उसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, अगर वेलोसिटी जो है वो बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन ये है v इक्वल टू कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, नो एक्सेलरेशन। यहां पर अगर वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, यहां पर पोजीशन है, ये v नहीं, ये नहीं दिखा रहा हूं, ये ग्राफ क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो नॉट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, देयर इज सम एक्सेलरेशन, सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। वेलोसिटी कैसे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग इस, अब एक मैं बना लेता हूँ फिर कैसे वाला मैं बताता हूँ। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, देयर इज सम एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन हो रहा है एक्चुअली, सो वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पर भी वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है सो पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है सो जो पार्टिकल होगा वो मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ग्राफ जो है ऐसा कर्व को ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब अगर नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, सो देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब आते हैं कि आखिर रही ग्राफ कर्व होने का मतलब क्या है, तो मैं उसको भी समझाता हूँ। तो मैंने पहले से ही बता दिया है कि अगर वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ कर्व हो जाएगा, कौन सा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो कर्व्ड आएगा ऐसे, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स मैं लेता हूं यहां पे जो बहुत पास के हूं, इनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां पर दो पॉइंट लेते हैं, इनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा टू एंगल बना रहा है, और ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा वन एंगल बना रहा है। तो हम देख सकते हैं कि टैन थीटा क्या होगा, चेंज होगा, बिकॉज टैन थीटा इज चेंजिंग ऑन दिस कर्व, ठीक है, टैन थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका ये मतलब है कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। जबकि अगर मैंने यहाँ पे जो आपको दिखाया कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो आप यहाँ पे दो पॉइंट लीजिए या यहाँ पे दो पॉइंट लीजिए, ठीक है, और इनको ऐसे कनेक्ट करके खींचिए तो ये थीटा बनाएगा, तो ये दोनों को भी खींचने से क्या बनाएगा, उतना ही एंगल बनाएगा। जबकि अगर अगर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर कर्व आ रहा है तो यहाँ पे दो पॉइंट लेंगे और वहां पे दो पॉइंट लेके ज्वाइन करेंगे तो ये अलग अलग एंगल बनाएगा, ठीक है। और टैन थीटा पोजीशन टाइम ग्राफ में टैन थीटा देता क्या आपको, गिव्स यू द वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू टैन थीटा वन, और यहाँ पे v क्या देगा, टैन
थीटा टू, इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है अभी, लेकिन फिलहाल जो मीनिंग निकल रहा है जितना मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से वेलोसिटी यहाँ पे टेन थीटा टू आएगा, यहाँ से यहाँ के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, और यहाँ से यहाँ के बीच की एवरेज वेलोसिटी होगी टेन थीटा वन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये वाई एक्सिस को मीटर पर सेकंड में नापा और एक्स एक्सिस को हम नाप रहे हैं सेकंड में, तो अगर आप टेन थीटा निकालोगे इस ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर बाई बेस निकालोगे, टेन थीटा क्या होगा मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टेन थीटा को कुछ लोग स्लोप कहते हैं, ठीक है, इसी का नाम स्लोप है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिव्स यू ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ रहा है, सो यानी यहाँ का स्लोप क्या है एक्सेलरेशन है, और गिरने वाली हर चीज का जो एक्सेलरेशन होता है वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहता है थ्रू आउट द मोशन, जबकि गिरते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती है बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब हम पोजिशन टाइम ग्राफ में आ जाएं, तो पोजिशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, ठीक है, यहाँ का स्लोप क्या चीज है, यानी कि यहाँ का टेन थीटा वेलोसिटी है, पोजिशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या है एक्सेलरेशन है। डिवाइड द यूनिट्स ऑफ वाई एक्सिस बाई यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सिस, और वो आपको स्लोप बताएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया पोजिशन टाइम ग्राफ, ठीक है, ये है उसका पोजिशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो अब ये जो सारी बातें बताई गई हैं उसको यूज करते हुए हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है जिसका कि जिसके लिए हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से देखो ये पोजीशन एक्स वर्सेस जो कि मीटर में नाप रहे हैं, टाइम जो है वो सेकंड में नाप रहे हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से थ्री से शुरू हुआ था, अगर इसको मिला रहे थे तो ये टेन आ रहा था, ठीक है, ये ऐसे कर दिया गया, मैं इसको ले लेता हूँ फाइव, ऐसे कुछ मैंने वैल्यू ले ली है, ठीक है, ये चलो टू कर देते हैं, इसको टू, इसको मैं ये फाइव है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको ये जो ग्राफ बना हुआ है पोजीशन वर्सेस टाइम, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, किस चीज का ग्राफ है, ठीक है, एग्जाम में आपसे हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन हो ग्राफ दिया हुआ हो और सिचुएशन बताना हो, और सिचुएशन दिया हो और ग्राफ ड्रॉ करना हो, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप वैसे क्वेश्चंस कैसे करते हो। तो ये है क्या, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सो देयर इज सम स्ट्रेट लाइन, उस पर एक क्या रेफरेंस पॉइंट है वो है ओरिजिन, यहाँ पर हमने दिखा दिया ओ, यहाँ से सब कुछ मेजर किया जाएगा, ये क्या है t इक्वल टू जीरो, यहां से जीरो, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहां पर है, जब आपने उस पार्टिकल को देखा और आपके पास एक स्टॉप वॉच है, ठीक है, आपने जहां पर स्टॉप वॉच स्टार्ट किया या जब से ऑब्जर्व करना शुरू किया, पार्टिकल जो था वो 2 मीटर पे खड़ा था, रखा हुआ था इनिशियली एट t इक्वल टू जीरो, पार्टिकल यहां पे रखा हुआ था, ठीक है, एंड एट टी इज इक्वल टू फाइव, सॉरी टी इक्वल टू फाइव, हाँ टू थ्री फोर फाइव, टी इक्वल टू फाइव सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है, मैंने गलत कर दिया, टी इक्वल टू जीरो पर ये तो दिखाना पड़ेगा आगे तक, ठीक है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और आगे 10 and 11 ऐसा कुछ, एट टी इक्वल टू फाइव सेकेंड पार्टिकल इज एट
10 meters, तो 10 मीटर पे पहुंच जाता है कब, t इक्वल टू 5 सेकंड पे, ठीक है। और ग्राफ ऐसे बनाया गया है, कर्व होने का क्या मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन है, देयर इज सम एक्सेलरेशन। इफ अगर इफ एक्सेलरेशन जो है इज कांस्टेंट, ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो, लेकिन अभी हम अभी वो केस नहीं कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रह रहा है, ठीक है। अभी हम वो वाला केस कर रहे हैं जिसमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। सो ए इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। तो अब आगे देखें, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एस का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इफ ए इज कांस्टेंट तो पोजीशन का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होता है, और अगर ए कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन 9.8 या ऐसा कुछ कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, एक्सेलरेशन कैसे बदल सकता है, ठीक है। इस तरीके से बदल सकता है कि जैसे आपके पास स्कूटी है उसमें एक्सेलरेटर लगा होता है, ठीक है, आपने थोड़ा सा उसको ऐसे घुमाया, ठीक है, तो जो आपका जो बाइक है या स्कूटी है वो उसका स्पीड बढ़ेगा, उसको एक्सेलरेट होगा, ठीक है। अब वो एक्सेलरेट हो रहा था लेकिन आपने क्या किया, उसको फिक्स नहीं रखा, उसको घुमाते जा रहे हो, घुमाते ही जा रहे हो, यानी कि यू आर चेंजिंग द एक्सेलरेशन, ठीक है। हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखेंगे तब भी वेलोसिटी बढ़ेगा और घट भी सकता है, हम बढ़ने की बात कर रहे हैं। अगर आपने एक्सेलरेशन रखा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया तब भी वेलोसिटी बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन को भी बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो बढ़ ही रहा है साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो जो क्या फार्मूला होगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वो मैं फार्मूला आपको बाद के क्लासेस में पढ़ाऊंगा कि अगर एक्सेलरेशन, ये नाइन्थ क्लास में आप कब क्या पढ़ते हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर फार्मूला ये होता है। इलेवेंथ क्लास में हम पढ़ते क्या है कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, तो एस जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे आपको पहुँचाना है, ठीक है, नाइन्थ क्लास से एलेवेंथ क्लास में ये ट्रांजिशन होगा, ठीक है। ये है नाइन्थ क्लास और ये है एलेवेंथ क्लास में जो आप पढ़ते हो, कि पोजीशन का फार्मूला ये बन जाता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन इज इन्वॉल्व, ये डिफ्रेंसिएशन का टर्म इन्वॉल्व है, तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन पहले आपको पढ़ाएंगे और तब जा करके हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये पता। अब देखो ये u क्या चीज है, इस ग्राफ में u क्या है और इस ग्राफ में a क्या है, ये सब कहां से निकलेगा। तो मैं आपको वही चीज दिखा रहा हूं कि पोजीशन s तो दिखा दिया मैंने, s क्या होता है, s इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो x फाइनल कितना है, 10 है, x इनिशियल कितना है, 2 है, तो ये 8 है, s इज योर 8, 2 से 10 पे पहुंच गया, ठीक है। सो चेंज इन पोजीशन कितना हो गया, यहां से लेकर के यहां तक ये 8 का है, 8 मीटर का चेंज आया, ठीक है। अब ये u क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जो पार्टिकल है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आप किसी पॉइंट पर ऐसे दो पॉइंट ले लो आसपास के और उसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये ज्वाइन करते हो तो ये कुछ स्लोप बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाता है, कुछ स्लोप, ये है एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। यहाँ पर अगर आप टेंजेंट खींचते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा विथ एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एंगल थीटा वन है, ये एंगल थीटा टू है, ठीक है। आपको करना क्या है, टैन थीटा वन निकालना है, tan theta 1 is your u initial velocity, position time graph में tan theta क्या देता है, velocity देता है, y gives you the velocity, because y axis में क्या है, y axis is measured in meter and x axis is measured in second, तो meter per second क्या देगा, tan theta, perpendicular by base आपको velocity देगा, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में बिठा लेना है कि ये velocity देगा, so u is given by tan theta 1, और v क्या चीज है, यहां पर आप फाइनली अगर आप v निकालना चाहते हो कि आफ्टर 5 सेकंड व्हाट इज द वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट खींचना होगा, ठीक है, ऐसे ये ग्राफ ऐसे चला जा रहा है, ये आप टेंजेंट खींचेंगे
और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना है, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा एफ, ठीक है, सो वी इज गिवन बाय टैन थीटा एफ, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी जो होता है वो स्लोप के फॉर्म में, टैन थीटा के फॉर्म में आप इस ग्राफ में पा सकते हो, ठीक है। टाइम तो आपको एक्स एक्सिस में दिखता है, वाई एक्सिस में दिखता है, एक्सेलरेशन कहाँ दिख रहा है? तो इस ग्राफ में हम एक्सेलरेशन नहीं देख सकते, ठीक है। अगर आपको एक्सेलरेशन देखना है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाना पड़ेगा। इस ग्राफ में एक्सेलरेशन को नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है। आप एक्सेलरेशन के बारे में सिर्फ यही कह सकते हो कि ये जो ग्राफ का जो स्लोप है वो बढ़ता जा रहा है, पहले छोटा एंगल, उससे बड़ा एंगल और बड़ा एंगल, यानी कि एंगल इज चेंजिंग, सो स्लोप इज चेंजिंग, एंड स्लोप इज एक्चुअली द वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज चेंजिंग। अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन है। तो हम ग्राफ को देख के ये तो कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन को इसमें दिखा नहीं सकते, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ठीक है, ये तो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये आ गया, ठीक है, 2 से 10 के बीच में। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं जो आपको करना है। क्वेश्चन आप चाहो तो एनसीईआरटी में ये सॉल्व है, आप देख सकते हो पेज नंबर, मैं आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, 9th क्लास की बुक में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। पेज नंबर 48, पेज 48 पर एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। अगर आपको ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, ठीक है। चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड द v एवरेज, ठीक है। ये सब 9th की चीजें हैं, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, वो है पेज नंबर 48 पर एग्जाम्पल 3.4, ठीक है, ये सॉल्वड ऑलरेडी, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूंगा और बाकी जो होगा वो आपको होमवर्क होगा। क्वेश्चन आप लोग देख लो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एग्जाम्पल 3.4, पेज नंबर 48 एनसीईआरटी। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज, ये कहता क्या है कि ये 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये डिस्टेंस कितना है 25 मीटर ऊंचा है। इसके छत पर से हाथ ऐसे बाहर निकाल के एक पत्थर किसी ने फेंक दिया, ये पत्थर ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये फिर नीचे आकर कैसे गिर जाता है, ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसमें आपको निकालना है क्या है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, ये कितना ऊपर जाएगा, ये आप निकाल ले सकते हो, ठीक है। तीन फॉर्मूले आपको सिखाए गए होंगे 9th पर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इन दोनों को मिलाने से जो मैं करवा दूंगा वैसे अगली क्लास में, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एट फाइनल पॉइंट v क्या हो जाएगा, 0, यहाँ से फेंका है आपने तो यहाँ पर u होगा, u कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आपको बताना है हाउ हाई विल द बॉल राइज, ठीक है, तो ये हाइट आपको बताना है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, u इक्वल टू 20 लिखना था मुझे, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, यहाँ पर चाहे बॉल ऊपर जाए नीचे जाए ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ खींचेगी उसको, ठीक है। तो माइनस 10, इन्होंने माइनस 10 ही कंसिडर करना है, g इक्वल टू माइनस 10 इंटू यहाँ पर h क्या होगा, s इक्वल टू h लेंगे,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 400 और ये वाला उधर चला जाएगा 20h, सो h इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो 20 मीटर तक ऊपर चला जाएगा वो। हमने ये निकाल लिया, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, बताना ये है कि जब यहाँ से स्टोन फेंका जाएगा तो स्टोन ऊपर जाएगा फिर नीचे आकर कैसे गिर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा उसमें कुछ समय लगेगा, उसमें कुछ T1 टाइम लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ रिटर्न होगा उसमें T2 टाइम लगेगा, एंड T1 विल बी इक्वल टू T2, जाने में जितना समय लगता है उतना ही आने में लगता है, यू कैन प्रूव दिस। उसके बाद फिर यहाँ से नीचे गिरेगा उसमें T3 टाइम लगेगा, सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू T=T1+T2+T3 करके आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा करना एडवाइजेबल नहीं है, इसमें आप बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ और ही बता रहा है आपको, वो फार्मूला जो ये है, इसमें s क्या होता है, s इज नॉट डिस्टेंस, ठीक है, s इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आपको मैंने बताया था कि जहां से स्टार्ट होगा वहां पर आपको ओरिजिन मान लेना है, तो यहां पर ओरिजिन 0 हो गया, तो दिस इज योर इनिशियल पोजिशन, तो एक्स आई कितना है, इज 0, और फाइनली वो कहाँ पहुंच जाता है, यहां से नीचे की तरफ, तो अगर आप ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस है, तो ये कहाँ पर होगा, -25 पर होगा कि नहीं, यानी एक्स फाइनल कितना होगा, -25 मीटर, तो एस एस इज वॉट, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, एस एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो ये आ जाएगा -25 -0, यानी कि -25 मीटर इज योर एस, डिस्प्लेसमेंट -25 हो गया, सो -25 बराबर यू कितना है, ऊपर फेंक रहे हो तो डायरेक्शन ऊपर है तो पॉजिटिव, सो यू इज इक्वल टू क्या होगा, यू इज इक्वल टू +20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सो +20 × T, ठीक है, +0.5 × -10, एक्सेलेरेशन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कहीं भी जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करती है, सो -10 डाल देंगे, ठीक है, × T² तो इसको सॉल्व करेंगे, -25 = 20T - 5T² और इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मैं एक बार इधर लिख देता हूँ, 5T² - 20T - 25 = 0, ये इधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये तो नेगेटिव है ही, सो मैं 5 कॉमन निकाल रहा हूँ, T²-4T - 5 = 0, सो T²- इसको ब्रेक कर ले सकते हैं, T²-4T - 5 = 0, तो आप इसको लिखेंगे T²+T - 5T - 5 = 0, T कॉमन करते हैं, सो T+1 - 5 कॉमन करेंगे तो T+1 = 0, और कॉमन ले करके T+1 निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा T-5 = 0, सो T=-1, T=5, तो माइनस तो नहीं हो सकता, ठीक है, T=5 सेकंड पर जा करके वो जमीन से टकराएगा, तो आपने देखा क्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फार्मूला होता है उसमें s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, सो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस में T1 और T2 और T3 निकालने जरूरत नहीं है, इस क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहुँचा कहाँ, यहाँ पे, ठीक है, तो आपको xi और xf को देखना है, ठीक है, और इधर का टाइम वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं आपको, वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, जब आप इस फार्मूले में डालते हैं तो, और T=5 आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड लगेगा, यहाँ से आने में 2 सेकंड लगेगा, और फिर यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड, सो टोटल 2+2+1 5 सेकंड में पहुँच जाएगा, ठीक है, ये तो बुक में भी सॉल्व है, मैंने भी सॉल्व कर दिया, होमवर्क अब देखते हैं, होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क है कि आपको पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, दूसरा है स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, तीसरा पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है,
अगर आपने ये ग्राफ जो मैं दे रहा हूँ उसको आपने बना लिया, तो आप लाइफ टाइम कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। फोर्थ जो है वो ये पोजीशन, POSITION, पोजीशन वर्सेस टाइम। और लास्ट जो है वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, इतना आपका होमवर्क है, ये चार ग्राफ बनाना है। ठीक है, आप चाहो तो एक पांचवा ग्राफ बना सकते हो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। ठीक है, ठीक है, तो आज तक यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।